हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो छत के ऊपर चलते हैं, आज देखते हैं छत का हाल क्या है। तो लॉग्ड भी देखते हैं, झाड़ों की साफ़ सफाई कर लेते हैं, छत की साफ़ सफाई कर देते हैं। चलो चाबी ले लेते हैं लॉक खोलने के लिए। ये हम छत के ऊपर पहुंच चुके हैं, ये आ गए हम छत के ऊपर। देखो छत का कबाड़ खाना कैसा रखा है, मिट्टी गिरी है, झाड़ पौधे इधर उधर हो चुके हैं, सब बराबर कर देते हैं आज। पूरी तरह साफ सफाई कर देते हैं। अब इधर से ले लेते हैं पौधों के नीचे, कुंडियों के नीचे से। कुंडियां बराबर सेट कर देते हैं। ये देखो गाइस, सांप का बच्चा निकला है कुंडियों के नीचे से। देखो इतना लंबा है ये। देखो अभी ये ऊपर आ रहा है, सांप का बच्चा है, मिनी सांप, छोटी प्रजाति है ये, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, यही साइज की रहती है, सबसे छोटी जात का सांप है ये। एलोवेरा के पेड़ की साफ सफाई कर लेते हैं, अब इसके नीचे का निकाल लेते हैं सब। बहुत दिनों से ये है, पूरे कचरा काढ़ी लग चुका है इसमें, एक्स्ट्रा के पौधे, आयुर्वेदिक दवाई है ये, बहुत से काम में आती है। चेहरे के लिए बहुत उपयोगी है। ये देखो हमारे लॉफ्ट का गेट थोड़ा लग नहीं रहा था, गेट ख़राब हो चुका है, थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, बत्ते को छील कर लग गया तो ठीक, नहीं तो फिर कारीगर के हाथ से बनाना पड़ेगा गेट दोबारा। अगर गेट बनाने की नौबत आएंगी तो हम दिखा देंगे। देखो गेट लग नहीं रहा है, पानी के वजह से फूक चुका है वो, जालियां भी टेढ़ी हो चुकी है उसकी। नीचे के बत्ते में थोड़ा फाल्ट आ चुका है,
करके ये लग नहीं रहा, नीचे से अड़ रहा है। यह हमारे लॉफ्ट का चेक कर लो, लॉफ्ट में सिर्फ दो ही कबूतर बचे हैं अभी फ़िलहाल में। अब कबूतर बाद में लाएंगे हम, जब बाज़ार जाएंगे तो आपको शौक कराएंगे बाज़ार का। अब कौन से कबूतर ला रहे, क्या कर रहे, सब दिखाएंगे। ये देखो टेज सभी क्लीन हो चुकी है पूरी पूरी तरह से। देखो इधर से भी पूरा क्लीन कर चुका हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। देखो देख सकते हो आप, बाय।